Hello friends, this is Dr. Neera Singh from Nana Homeocare and today we are going to talk about asthma. आज हम बात करेंगे एक गंभीर और पुरानी बीमारी के बारे में जो कि है अस्थमा. अस्थमा एक गंभीर बीमारी है और कभी कभी जब ये फैटाल होता है तो इंसान की जान भी जा सकती है. ये श्वास नलिकाओं को प्रभावित करता है. असल में जो ये श्वास नलिकाएं हैं वो ही हमारे जो फेफड़ों से अंदर बाहर हवा को करती हैं. अस्थमा होने पर इन नलिकाओं में सूजन आ जाती है जिससे ये सिकुड़ जाती है और फेफड़ों तक पर्याप्त हवा नहीं पहुंच पाती. इसकी वजह से मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है. अस्थमा को पूरी तरह से जो गंभीर अस्थमा है उसको पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के करने पर इसको कम से कम इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है. अस्थमा किसी को भी और किसी भी उम्र में हो सकता है. बच्चों में बूढ़ों में अस्थमा हो जाना एक आम बात है. मौसम में बदलाव, धूल मिट्टी और धुएं जैसी बहुत सारी परिस्थितियों में अस्थमा के मरीजों को अस्थमाटिक अटैक आने की ज़्यादा संभावना होती है. इसकी वजह से छाती में जकड़न, खांसी, नाक की खजराहट, जब सांस लेते हैं तो सीने से सीटी जैसी आवाज आना और सांस लेने में परेशानी, ये लक्षण आमतौर पर होते हैं. एयर पैसेजेस जो होते हैं वो सूज जाते हैं, म्यूकस एक्यूमुलेट होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है और ये जब ट्रिगर होता है बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि एलर्जीज हैं, स्ट्रेस है, मोटापा है, इन्फेक्शन है अलग अलग तरह के, साइनसाइटिस भी अस्थमा ट्रिगर कर सकता है. और जो भी परेशानी मरीजों को होती है वो अधिकतर सुबह अर्ली मॉर्निंग में होती है या फिर रात में दिक्कत होती है. इसके अलावा पेट्स हैं, कॉकरोच हैं, मोल्ड्स, डस्ट, ये सब भी एग्रीवेटिंग फैक्टर हैं जिसकी वजह से अस्थमा का अटैक इन मरीजों में आ सकता है. आमतौर पे अस्थमा को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है. पहला एटोपिक अस्थमा जो कि बचपन में होता है, चाइल्डहुड में होता है और मोस्टली एलर्जिक होता है. ये जो एलर्जन अभी हमने बात की है इनसे जब अस्थमा के अटैक आता है या अस्थमा ट्रिगर होता है उसको एटोपिक अस्थमा कहते हैं और वो अधिकतर छोटे में होता है, छोटी उम्र में होता है. दूसरा एक मेजर कॉज है ऑक्यूपेशनल, जो कि एडल्ट्स में कॉमन है. जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ऑक्यूपेशनल यानी ऑक्यूपेशन की वजह से अगर कोई पेशेंट लगातार कुछ स्मोक्स या फ्यूम्स को एक्सपोज होता है लगातार या अक्सर, तो अक्सर अस्थमैटिक सिम्टम्स आने लगते हैं और धीरे धीरे ये एक उसका जो है बहुत प्रोमिनेंट प्रॉब्लम बन जाता है और इसको ही ऑक्यूपेशनल अस्थमा कहा जाता है. अस्थमा आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है, फैमिलीज में रन करता है क्योंकि ये जेनेटिकली प्रिडिस्पोज करता है लोगों को. और इसके जो सिम्टम्स हैं वो प्रोमिनेंटली हम सिम्टम्स एक के बाद एक डिस्कस करेंगे. खांसी आती है, चिपचिपा बलगम निकलता है और रात में अधिकतर होता है. डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ होती है. ये इसलिए होता है क्योंकि जो एयर पैसेजेस होते हैं वो नैरो हो जाते हैं, जो उनका एक डायमीटर है वो तनाव की वजह से या एयर पैसेजेस को अस्थमा जैसी प्रॉब्लम की वजह से वो नैरो हो जाते हैं जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है. उसके अलावा होता क्या है कि जो म्यूकस एक्यूमुलेट होता है उसकी वजह से भी वहाँ पे सांस का जो प्रवाह है वो बाधित होता है जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में, सांस फूलने लगती है. वीजिंग, ये स्पेशल एक वर्ड है, वीजिंग यानी सांस लेने में जो सीटी जैसी आवाज़ आती है वो अस्थमा का बहुत ही करेक्टरिस्टिक सिम्टम है. वीजिंग स्टार्ट हो जाती है और जहाँ ये वीजिंग स्टार्ट होती है वो अस्थमा के पेशेंट को तुरंत समझ में आ जाता है कि अब दिक्कत बढ़ने वाली है. सांस की गति तेज़ हो जाती है, पेशेंट क्योंकि बहुत लंबी प्रॉपर सांस ले नहीं पाता इसी वजह से वो बहुत जल्दी जल्दी सांस खींचना शुरू करता है, तो जो रेट है रेस्पिरेशन का वो बढ़ जाता है. चेस्ट पे एक प्रेशर सा फील करता है पेशेंट. अब हम ये भी बात करेंगे कि कब ये ज़्यादा हो जाता है. जैसे मौसम में बदलाव होता है तो वायरल इन्फेक्शन की संभावनाएँ ज़्यादा होती हैं, तो उस समय भी अस्थमैटिक अटैक बढ़ जाते हैं. कुछ लोगों को परफ्यूम से, हेयर स्प्रे से, इन सब की जो स्ट्रॉन्ग स्प्रे की स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, जो एरोमा होती है, उसकी वजह से भी अस्थमैटिक अटैक का खतरा बढ़ जाता है. पर्यावरण प्रदूषण जो कि बहुत ही ज़्यादा हो गया है पिछले दिनों में, हमें विभिन्न न्यूज़ चैनलों और पेपरों द्वारा बताया गया था कि, और हम लोग खुद भी देखते रहे हैं कि दिवाली के आसपास तो ये वैसे भी बढ़ जाता है, इसी वजह से उस समय अस्थमा के अटैक भी बढ़ जाते हैं. पोलन ग्रेन जो कि स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा होता है तो उस समय भी एलर्जिक
जो अस्थमा है, अस्थमैटिक अटैक, वो बढ़ जाते हैं। कुछ खाने पीने की चीज़ों से भी किसी किसी को अस्थमैटिक अटैक आने का खतरा होता है, जिसमें से किसी किसी को दूध के प्रोडक्ट्स की वजह से दिक्कत होती है, किसी को सोया प्रोडक्ट्स की वजह से दिक्कत होती है। मूंगफली भी एक कारण है जो कुछ लोगों में ट्रिगर करती है अस्थमैटिक रिस्पॉन्स। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। सबसे पहले तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से बिना किसी साइड इफेक्ट से और बिना किसी सप्रेशन से अस्थमा ठीक होता है। ट्रीटमेंट पीरियड और ड्यूरेशन डिपेंड करता है, अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है पेशेंट की उम्र पर और अस्थमैटिक प्रॉब्लम कितने दिनों से है, अटैक कितनी जल्दी और कितना सीवियर होता है, फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक्स में तो नहीं है अस्थमा का जो अस्थमैटिक प्रॉब्लम है, इसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। होम्योपैथी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट जो दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट यानी एक पर्टिकुलर पर्सन को, एक पर्टिकुलर पेशेंट को हम केस टेकिंग के द्वारा उसको इंडिविजुअलाइज करते हैं, यानी कोई एक पर्टिकुलर दवा जो उस पेशेंट को सबसे ज़्यादा उस टाइम के हिसाब से दी जा सकती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट होता है। उसमें हम जो डिजीज प्रॉब्लम है उसके साथ साथ जो दूसरे उसके मेंटल पॉइंट्स, मेंटल सिम्टम्स हैं, इमोशनल सिम्टम्स हैं, और भी पूरा एक कंप्लीट ड्रग पिक्चर बनता है, कंप्लीट पेशेंट पिक्चर होता है, वो मैच होता है, जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट का सबसे बेस्ट पार्ट है कि अस्थमैटिक पेशेंट जो है वो अच्छे तरीके से हेल्दी हो जाते हैं, दे आर ट्रीटेड वेल, दे आर एबल टू लीड अ हेल्दी लाइफ, अपनी नॉर्मल लाइफ जीने में वो सहायक होती हैं होम्योपैथिक दवाइयाँ। और जिनके जिनमें जो है बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें अक्सर जो उनकी डिपेंडेंसी है एलोपैथिक स्टेरॉइड्स पे, वो ख़त्म हो जाती है। और अगर कभी हुआ भी कोई प्रॉब्लम, कोई अस्थमैटिक अटैक होता भी है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी बहुत कम होती है, जो कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में क्रिएट करती है। और पेशेंट अपनी डे टू डे लाइफ बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी बाधा से, वो अपना कैरी ऑन कर सकते हैं। अस्थमा के लिए आप हमेशा कोशिश करिए कि जैसे ही अस्थमैटिक सिम्टम्स आजकल तो नोटिस में आ जाते हैं और लोग इतने अवेयर हो चुके हैं कि तुरंत किसी डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। अगर आपका बच्चा खासतौर पर बहुत बहुत जल्दी कोल्ड के सिम्टम्स आते हैं, सांस फूलने के सिम्टम्स आते हैं, तो प्लीज़ किसी होम्योपैथिक फिजिशियन को अप्रोच करें, टाइमली मेडिसिन लें कि जिससे कि ये जो प्रॉब्लम है आगे सीवियर ना हो और स्टेरॉइड्स पर, इनहेलर्स पर डिपेंडेंसी ना हो। अब अस्थमा ट्रीटेबल है ये जानना बहुत ज़रूरी है, और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से अस्थमा ठीक होता है और पेशेंट अच्छी लाइफ, हेल्दी लाइफ जी सकता है। थैंक यू।